पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मौजूदा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ बैठक बुलाई गई। मंत्री विधायक की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होनी है, जिसमें 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम और आगामी 2024 में झारखंड विधानसभा पर विशेष चर्चा की जानी है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी विशेष चर्चा होगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री शोभा यादव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद की राजनीति करती है। हेमंत सोरेन जेल से छूटने के बाद संभवतः पुनः सीएम पद लेने के लिए कल अहम बैठक बुलाई गई है। नियुक्ति पत्र भी लोकडाज मकान तो उनकी अंदरूनी मामला है, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां अभी झारखंड में है उसको देखते हुए अगर कह सकते हैं कि इन लोग आपस में ही अंदर से कुछ ना कुछ इन लोगों का चल रहा। और ये बात सही है कि मुख्यमंत्री पद पे भी बदलाव करने का भी इन लोगों का कुछ होगा, इसलिए हमको लगता है इतना बृहद बैठक इन्होंने बुलाया है। और आने वाला समय में जो चुनाव को देखते हुए, जैसा अभी हम लोग को पता चल रहा है चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों का, तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। और जो आप झारखंड में चुनाव, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो उस चुनाव में इन लोग जनता के बीच में कैसे जाएंगे, किस मुँह को लेकर जाएंगे और क्या बोलेंगे कि हम कितना भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और हम 5 साल तक क्या किए, तो इस विषय को लेकर भी इन लोग मनन मंथन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व बचाने के लिए एक बैठक बुला रहे हैं, जो कि कांग्रेस राजद और JMM का बैठक है। इन लोग आपस में सहमति जुटाएंगे कि 4-5 महीने में जो चुनाव होने जा रहा है, हम लोग किस मुद्दे पर लड़ेंगे। कोई आश्चर्य होगा अगर हेमंत जी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो? आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये हेमंत जी ये बैठक ही बुला रहे हैं, लगता है कि उनको भय है कि कहीं चंपेदा परमानेंट ना बैठ जाओ और हम लोग आउट ना हो जाएं। तो एक तरह से कह लिए सत्ता का मोह जो है वो अभी इनका नहीं गया है, और सत्ता के मोह के चलते ये बैठक बुला के इसी बहाने सीएम पद पे आने की एक तरह से कहते हैं इनकी मंशा है, जो अंदरूनी मंशा है, मुझे तो यही लगता है। बाकी कल देखते हैं क्या होता है बैठक में। ऐसा नहीं है, कल जो बैठक आयोजित की जा रही है, एक लोकसभा चुनावों के बाद सारे विधायकों की बैठक नहीं हुई थी, और यहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर निकले हैं, तो एक औपचारिक बैठक जो है कल सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। उसमें आगे विधानसभा चुनावों में किस तरह की तैयारी करनी है, केंद्र सरकार जो अभी वर्तमान में चल रही है किस किस मोर्चे पर फेल है, सरकार ने इन 5 वर्षों के दौरान क्या क्या काम किए हैं, और आगे 3 महीने के अंदर में हमारी क्या योजनाएं हैं, उन्हें धरातल पर जल्दी से जल्दी कैसे उतारा जाए, इन पर चर्चा होगी। हमारा रोड मैप विधानसभा चुनाव लड़ने का क्या होगा, ये सारी चीजें तय की जाएंगी। मंत्रिमंडल में भी विस्तारीकरण की कुछ बातें आ रही है। मंत्रिमंडल में हमारा एक बर्थ खाली है, कांग्रेस कोटे की एक बर्थ खाली है, और वो तय हो चुका है। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रही विगत कुछ दिनों में जिसके चलते कि शपथ ग्रहण नहीं हो पाया, जल्द ही शपथ ग्रहण हो जाएगा, कांग्रेस कोटे का मंत्री बनना तो तय है। कांग्रेस से कौन कौन रहेंगे कल मीटिंग में? कांग्रेस से गुलाम अहमद मीर जी आ रहे हैं, संभवतः अध्यक्ष जी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे राज ठाकुर जी, और बाकी विधायक रहेंगे, विधायक दल की बैठक है सारे लोगों की।